गुड मॉर्निंग क्लास. टुडे आई एम गोइंग टू कंटिन्यू विद चैप्टर नंबर 2, दैट इज पॉलीनोमियल. टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलीनोमियल. फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलीनोमियल में पहला टॉपिक आता है फैक्टर थ्योरम. लास्ट टाइम मैंने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाई थी, आपके बार बता रही हूँ आपको फैक्टर थ्योरम. फैक्टर थ्योरम, इफ पी ऑफ एक्स इज अ पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जब पॉलीनोमियल कोई भी पॉलीनोमियल अगर उसकी डिग्री जो है वो एन से ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी, जो एन की वैल्यू होगी वो 1 या 1 से ग्रेटर होगी, एंड ए इज अ रियल नंबर और वहाँ पे ए एक रियल नंबर होगा, देन एक्स माइनस इज अ फैक्टर ऑफ, तो एक्स माइनस ए जो होगा वो फैक्टर होगा पी ऑफ एक्स का, इफ P of A जो है वो इक्वल टू 0 होगा, एंड P of A इक्वल टू 0 इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ P of x, जहाँ पे x माइनस ए जो होगा P of x का फैक्टर होगा. मीन्स इसका कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी नंबर का फैक्टर फाइंड आउट करोगे, अगर आपको P of x की जो वैल्यू आप x फाइंड आउट करोगे, अगर वो वैल्यू जब आप P of x की वैल्यू में रखोगे और आपका अगर वो P of x की वैल्यू अगर 0 आती है, इट मीन्स वो जो नंबर है, ठीक है, वो जो नंबर है वो P of x का फैक्टर है. अगर वो आपके आपका जो आंसर है वो 0 नहीं आता है, इट मीन्स वो उसका फैक्टर नहीं है. ठीक है, जैसे हम सीधा एग्जांपल पे चलते हैं, एग्जांपल से ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या चीज़ कह रहा है. एग्जामिन वेदर x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ x पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एंड ऑफ 2x प्लस 4. अब आपको ये चेक करना है कि ये जो नंबर है, ठीक है, ये जो नंबर है वो इसका एंड इसका इन दोनों का फैक्टर है कि नहीं है. मतलब आपको क्या करना है, x प्लस 2 जो है वो इसका और इसका फैक्टर है कि नहीं, वो चेक करना है. ठीक है, तो आपको करने के लिए क्या करो, आप पहले x प्लस 2 को क्या मान लो, 0 में मान लो. ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, माइनस 2 आ गई. कितनी आ गई आपके पास में, माइनस 2 आ गई. अब आपके पास में दो नंबर है, ठीक है, आप मान लीजिए ये है आपका P of x, ठीक है, और ये है आपका s of x जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है. ठीक है, तो अब आप क्या करना है, जहाँ पे भी x की वैल्यू है, x है, वहाँ पे x की वैल्यू क्या रखनी है, माइनस 2. तो P of माइनस 2 रखने के लिए यहाँ पे होगा माइनस 2 की पावर 3, ठीक है, प्लस 3 माइनस 2 की पावर 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई माइनस 2 एंड प्लस 6. तो ये हो जाएगा माइनस का 8 एंड दिस बिकम्स 3 इंटू 4 एंड दिस वन इज माइनस 10 और दिस वन इज 6. ठीक है, सो ये होगा 8 माइनस 8, दिस वन इज 3 प्लस 4 12 माइनस 10 एंड प्लस 6 ही हो गया. अब यहाँ पे करेंगे तो 12, यहाँ पे देखिए माइनस 8 और माइनस का 10 है, तो माइनस का कितना हो गया, 18 हो गया, और प्लस 12 और प्लस 6 कितना हो गया, 18 हो गया. तो ये दोनों को करके क्या आता है आपके पास, आंसर 0 आता है. ठीक है, दूसरा आपके पास में क्या है, P of माइनस 2 रखना है किसके लिए, 2 इंटू माइनस 2 एंड प्लस कितना है, 4 है. तो ये होगा माइनस का 4 एंड प्लस 4, आपके पास आंसर आता है 0. तो कहीं ना कहीं आपके दोनों में आपको आंसर कितना आ रहा है, 0. इट मीन्स देयर फोर एक्स प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ बोथ पी ऑफ एक्स एंड एस ऑफ एक्स. मतलब आपका जो एक्स प्लस 2 है वो किसका फैक्टर है, पी ऑफ एक्स का भी फैक्टर है और एस ऑफ एक्स का भी फैक्टर है. ठीक है, अब आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के. फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या करनी है, के. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा कैसे करना है. फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x माइनस ए वन इज अ फैक्टर ऑफ दिस वन. मतलब x माइनस ए वन जो है उसका फैक्टर है और वो आप उससे आपको यूज करके आपको क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. पहले तो सेम चीज जैसे हम क्वेश्चन में करते हैं कि x माइनस वन जो है उसको मान लिया मैंने 0, तो मेरे पास में x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 1 आ गई. अब इसको मेरे को रखना है किस पे, मेरे P of x में रखना है. ठीक है, तो मेरा P of x जो है वो है मेरे पास में 4x पावर 3 प्लस 3x की पावर 2 माइनस 4x प्लस k. ठीक है, ये मेरी P of x है, जहाँ पे मैंने रखा P of 1. P of 1 मतलब 4, 1 की पावर 3 प्लस 3, 1 की पावर स्क्वायर. ठीक है, और मेरा हो गया माइनस 4 इंटू 1 प्लस के. ठीक है, तो ये आ जाएगा 4
प्लस 3 माइनस का 4 प्लस के, तो ये 4 प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल हो गया, तो बच गया मेरे पास में 3 प्लस के। अब मेरे पास में क्या है, पी ऑफ 1 जो है उसको मैंने मान लिया x, पी ऑफ 1 को मैंने जीरो मान लिया, ठीक है। तो 3 प्लस के इक्वल टू क्या हो गया, जीरो, और के इक्वल टू के जो है वो मेरा इक्वल टू किसके हो गया, माइनस के 3 के इक्वल, तो मेरी k की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 3 आ गई, ठीक है। तो आपको देखिए यहाँ पे k की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, माइनस 3 आ गई, ठीक है। नाउ नाउ द सेकेंड टॉपिक आता है बाई स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। आपको क्या करना है, स्प्लिट करना है मिडल टर्म को, और मिडल टर्म को स्प्लिट करके और आपको उस नंबर को फैक्टराइज करना है, ठीक है। उसके दो फैक्टर्स लिखने हैं, जैसे है फैक्टराइज 2x² प्लस 17x प्लस 5 बाई स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, मतलब बीच के टर्म को करना है, आगे फ्रंट और लास्ट के टर्म को आपको टच भी नहीं करना, सिर्फ बीच के टर्म को आपको स्प्लिट करना है, एंड बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम, और उसको फैक्टर थ्योरम भी लगानी है। एक बार और एक चीज़ याद रखिएगा कि स्प्लिटिंग जो मेथड है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जो मेथड है, वो सिर्फ एक्स स्क्वायर के लिए ही लिखा जा के लिए ही सोल्व होता है। अगर आप एक्स पावर 3 के लिए या एक्स पावर 4 के लिए करते हो तो वो वहाँ पे ये मेथड लागू नहीं होता है। देखिए यहाँ पे ये जनरल इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस एक्स सी, ठीक है, इस इक्वेशन के लिए ही ये मेथड लागू होता है, बाकी कोई भी क्वेश्चन के लिए ये मेथड लागू नहीं होता है। मतलब जहाँ पे भी आपका एक्स का स्क्वायर है वहीं पे ही ये क्वेश्चन आपका मेथड आपका अप्लाई होगा, ठीक है। तो अब आपके पास में फैक्टराइज है कि 6x² प्लस 17x प्लस 5, ठीक है, तो मैं कर रही हूँ ये है, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एक बार से आपको समझ में नहीं आता है, बहुत सारे बच्चे हैं जो इस टॉपिक को बहुत हार्ड लगता है बच्चों को और वो समझते नहीं है एक बार में, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, जब तक आप एवरी क्वेश्चन नीड प्रैक्टिस, जब तक आप बार बार उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि कैसे करना है, ठीक है। मिडल टर्म का मतलब होता है इसमें कि ये जो टर्म है इसको आपको क्या करना है, इस सिर्फ इसी नंबर को आपको क्या करना है, स्प्लिट करना है, ठीक है। इसको स्प्लिट करने के लिए आपके पास में ये जो टर्म्स हैं इन दोनों का आपको मल्टीप्लाई भी देखना है और इनका आप दोनों को एडिशन भी देखना है। मतलब आपके पास में क्या है कि आपके पास में 6 और 5 है, ठीक है, 6 और 5 को जब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ मेरे पास में आंसर आता है 30, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर मैं 6 और 5 को प्लस करती हूँ तो मेरे पास में 11 आता है, पर मुझे आंसर कितना चाहिए, 17 चाहिए, ठीक है। तो आपको कुछ एक ऐसा नंबर चेक करना है जिसको करने से आपके पास में मल्टीप्लाई करने से 30 आ जाए और एडिशन करने से 17 आ जाए, ठीक है। तो आपको अगर याद है तो 15 की टेबल में 15 टू जा कितना होता है, 30 होता है। जहाँ पे भी अगर मैं 15 प्लस 2 करती हूँ तो मेरे पास आता है आंसर 17, और इसको अगर दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास ये आंसर आता है, ठीक है। तो मतलब हमें मिडिल टर्म का आंसर मिल गया कितना, 15 प्लस 2। तो इसको मॉडिफाई कीजिए, इसको मॉडिफाई करने के लिए क्या करेंगे, 6x² को तो एज इट इज रखेंगे और यहाँ पे 5 को भी ऐसे के ऐसे लिखेंगे, सिर्फ हमें मिडिल का टर्म चेंज करना है जो कि होगा 15x प्लस 2x और प्लस का 5, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इनको पेयर बनाना है, तो ये एक पेयर हो गया और एक पेयर ये हो गया, जिसमें आपके पास में यहाँ पे 3 दोनों में कॉमन आएगा, ठीक है, वो दोनों 3 की टेबल में आते हैं, 6 और 15 3 की टेबल में आते हैं, और यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, तो x कॉमन आ जाएगा, तो मतलब आपके पास में 3x कॉमन आ गया, यहाँ बच गया 2x और यहाँ बच गया आपके पास में 5, ठीक है, ये बच गया 5, और यहाँ पे आपके पास में जो यहाँ पे 2x प्लस 5 है वही चीज़ यहाँ पे है, तो आपने सिर्फ क्या लिया, 1 कॉमन लिया और इसको एज इट इज लिखा। दूसरी बात, जब भी आप मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो आपके पास में दो ऐसे ब्रैकेट में सेम नंबर आने चाहिए, ठीक है। आप क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को कंबाइन में लिखिए, तो क्या हो गया 3x प्लस 1, और इन दोनों में से एक ही नंबर लिख लीजिए जो होगा 2x प्लस 5, अब ये आपके आंसर हो गए क्या, 3x प्लस 1 और 2x प्लस 5 आपका आंसर हो गया, ठीक है। नाउ यूजिंग द फैक्टर थ्योरम, अब देखिए यहाँ पे भी 3x प्लस 1 आ गया और 2x प्लस 5 आया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अगर इसको फैक्टर थ्योरम में करना है, ये तो बात थी स्प्लिटिंग की, अब आपको क्या करना है, इसको फैक्टर थ्योरम में करना है, तो फैक्टर थ्योरम में करने के लिए आपको इसको इस तरह से जनरेट करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं आपको इसको कहीं ना कहीं आपको या तो 6 कॉमन लेना पड़ेगा या समथिंग कुछ एक नंबर ऐसा कॉमन लेना पड़ेगा जिससे कि इसको स्प्लिट किया जा सके, ठीक है। इसको स्प्लिट करने के लिए देखिए यहाँ पे 6x² है प्लस 17x प्लस 5 है, ठीक है। तो
मैंने क्या क्या सिक्स कॉमन ले लिया, यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर और यहाँ हो गया 17/6x और यहाँ हो गया 5/6। ठीक है, अब मेरे पास में क्या है, मेरे पास दो चीज़ आ गई, यहाँ पे 17/6 हो गया और यहाँ पे 5/6 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, आगे इसको देख चेक करना है कि अब आगे क्या हो सकता है। तो मेरे पास में देखिए, इससे दो फॉर्म बनते हैं कि इफ़ ए एंड बी आर जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स, है ना, ए और बी दो जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स के दो नंबर्स हैं, जिसमें कि ये जो नंबर है इसमें 6x-a और ये x-b दो हैं, जिसमें ए बी जो है वो है 5/6, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है 5/6। ठीक है, इसको करने के लिए यहाँ पे मेरे को पता है कि +-1/2 +-1/3 ऐसे लिखा जाता है ये, तो फिर इसको क्या करना है आपको, p(-1/3) = 0, तो x+1/3 = a factor of p, मतलब आप इसको करना है, आप ये यूज़ ना करें। ठीक है, आप इसको यूज़ ना करके, थोड़ा टफ पड़ेगा ये, इसको मेथड को आप यूज़ ना करें, जो मैंने ऊपर मेथड बताया है आप उसी को ही यूज़ करिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे करना है फैक्टराइज y²-5y+6 यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। अब आपको इसको फैक्टर थ्योरम में यूज़ करना है। फैक्टर थ्योरम में यूज़ करने के लिए आप डायरेक्ट एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि आपको पहले ये बताना है 6 का फैक्टर कौन कौन सा है। ठीक है, तो 6 के फैक्टर्स होते हैं, 6 के फैक्टर्स देखिए क्या क्या होते हैं, 1 होता है, ठीक है, 2 होता है और 3 होता है और 6 होते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन तीनों नंबर में से कोई नंबर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देखना है कि किस पे 0 आएगा। जहाँ पे आपको 0 आएगा वो नंबर उसका होगा, जैसे मैंने क्या लिखा, पी ऑफ 2 लिख रही हूँ। ठीक है, पी ऑफ 2 मेरे पास इक्वेशन है y²-5y+6, ये मेरी पी ऑफ y है। ठीक है, फिर पी ऑफ में y की जगह रख रही हूँ 2, तो ये हो गया 2² ये हो गया 5 × 2 और इस वन 6, तो ये हो गया 4 और ये हो जाएगा माइनस का 10 और प्लस 6, मतलब 6+4 = 10, -10 मेरे पास आंसर आता है 0। तो कहीं ना कहीं पी ऑफ 2, तो इसका जो एक फैक्टर बनता है वो बनता है y-2 इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ वाई। तो एक जो फैक्टर हो गया वो क्या हो गया, y-2। मतलब मैंने यहाँ पे, आप बोलोगे मैम आपने तो y की वैल्यू 2 ली है तो आपने -2 कैसे ली, जब आप पॉजिटिव वैल्यू लोगे, जब x के इक्वल टू के इधर होगी तो वो नेगेटिव होगी, उधर आएगी तो क्या बन जाती है, वो पॉजिटिव बन जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पे y-2 लिया है। और एक दिमाग में लगा लीजिए, जब आप पॉजिटिव वैल्यू लिखोगे तो उसको नेगेटिव में लिखना है आपको, जब आप नेगेटिव वैल्यू लिखोगे तो उसको आपको पॉजिटिव में लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट एक ये हो गई, नेक्स्ट अब मैंने क्या रखा, दूसरी एक वैल्यू रखी जिसमें मैंने रखा p of 3 जो मैंने रखा वो है 3^2-5 × 3 और +6, तो 3^2 मतलब 9 होता है। ठीक है, और यहाँ -15 और यहाँ पे 6, तो 9+6 = 15 -15 आंसर आता है 0 कहीं ना कहीं। सो y-3 इज़ अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ y, जो y-3 है वो भी पी ऑफ y का फैक्टर है। तो अब आपके पास में दो फैक्टर मिल गए, एक फैक्टर हो गया आपके पास में, सो p(y²-5y+6) इसके दो फैक्टर हो गए, क्या y-2 और y-3 दो फैक्टर हो गए। ठीक है, आप इसको इस तरह भी कर सकते थे, जब अगर बोलता है यूजिंग फैक्टर थ्योरम तो आपको इसको इस तरह से लिखना है, और अगर आपको बोलता है कि फैक्टराइज करना है तो आपको उसको मिडल टर्म करके इसको फैक्टराइज करना था। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे मिडल टर्म इसको करती हूँ, ठीक है, मिडल टर्म से करूँगी तो मेरे पास में आता है y²-5y+6, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 को मतलब 1 में मल्टीप्लाई किया 6 का, तो 6×1 = 6 होता है, 6 में -1 करती हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 5। ठीक है, तो ये हो गया y²-6x और +y and +6 ये हो गया। ठीक है, जहाँ पे भी सॉरी ये x गलती से लिख दिया और ये होगा y। ठीक है, x बार बार x यूज़ करते ना, इसलिए x का फॉर्म याद आ गया। अब यहाँ पे क्या कीजिए, y को कॉमन लीजिए, यहाँ पे आता है y-6 और यहाँ पे आता है 1 कॉमन लीजिए, ये हो जाएगा y-5 y, अच्छा तो फिर यहाँ पे -6+6 नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं फैक्टराइज, क्योंकि यहाँ पे y-6 आना चाहिए और ये y-6 आ नहीं रहा है। ठीक है, तो आप इस को फॉर्म को और दूसरे तरीके से कैसे ले सकते हैं, देखिए
इसको करने के लिए आप यहाँ पे इसको चेंज कीजिए, ठीक है। यहाँ पे अपने पास में है माइनस का 5 होना चाहिए ना, तो माइनस का 3y, माइनस का 2y और प्लस का 6। अब देखिए माइनस 3, माइनस 2, माइनस 5 होता है और माइनस इंटू माइनस प्लस 6 होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, y कॉमन लिया तो यहाँ पे हो गया y माइनस 3, और यहाँ पे माइनस 2 कॉमन लिया तो ये हो गया y माइनस 3, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास एक आ गया y माइनस 2 और एक हो गया मेरा y माइनस 3, एक फैक्टर ये हो गया और एक फैक्टर ये हो गया। नीचे भी वही चीज़ आया था y माइनस 2 एंड y माइनस 3, समझ में आ रहा आपको। तो आपको जिस तरीके से आप सूटेबल हो आप वो तरीका यूज़ कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एग्जांपल 13 फैक्टराइज, एग्जांपल 15 फैक्टराइज। अब आपको यहाँ पे फैक्टराइज बोल रहा है, पर यहाँ पे जो फैक्टराइज है वो है x की पावर 3, और मैंने आपको बताई थी जब भी x पावर 3 आएगी तो आप ये मिडिल स्प्लिटिंग टर्म नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि ये यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, इसलिए आप इसको कोई और तरीका यूज़ कीजिए। इसको तरीका यूज़ करने के लिए पहले आप ये चेक कीजिए कि आपका लास्ट का नंबर क्या है। जैसे इस क्वेश्चन में आपका लास्ट टर्म क्या है, 120, ठीक है। तो 120 के जितने भी पॉसिबल फैक्टर्स होते हैं वो लिखिए। जैसे मेरे पास होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, ठीक है, फिर होता है 12, 15, 20, 24, 30 और 60, ये नंबर होते हैं मेरे पास में, ठीक है। अब क्या करना है, मुझे इनमें से कोई भी दो नंबर्स मुझे यहाँ पे रख के P of 1, P of 2 ऐसे रख के देखने हैं। तो मुझे क्या निकालना है, एटलीस्ट दो नंबर निकालने हैं। एक नंबर निकाल लो, चलो एक नंबर निकालो, दूसरा हम स्प्लिटिंग मेथड से निकाल लेंगे। तो जैसे मैंने रखा P of 1, ठीक है, तो मैंने P of 1 रखा, तो मेरे पास P of 1 तो 1 की क्यूब आ गई, ठीक है। और यहाँ पे जब मैं रखूँगी तो ये हो जाएगा -23 × 1² + 142 × 1 − 120 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 1 − 23 + 142 − 120 आ गया, ठीक है। अब इनको ऐड करेंगे तो 142 और 143 हो गया, और यहाँ पे 143 हो गया, तो इसका आंसर आ गया 0। तो कहीं ना कहीं P of 1 मतलब क्या हो गया कि x − 1 इसका फैक्टर हो गया, किसका, फैक्टर ऑफ P of x, फैक्टर ऑफ P of x, ठीक है। अब एक मिल गया, दूसरा मेरे को निकालना है, दूसरा क्या करोगे, इससे या तो डिवाइड कर दो, ठीक है, या फिर क्या करो आप डायरेक्ट इसको आप डिवाइड करके ही देख सकते हो, ठीक है, या फिर आप दूसरा भी इससे एक और निकाल सकते थे, ठीक है। नहीं तो अब आप क्या करो, इसको x माइनस 1 को डायरेक्ट इससे डिवाइड कर लीजिए। अब क्या करो, ये मेथड हो गया। अब स्टेप सेकंड स्टेप क्या करना है कि x माइनस 1 डिवाइडेड बाई, अब x माइनस 1 को है डिवाइड करना है किससे, x पावर 3 माइनस 23 एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 142, ठीक है, एक्स माइनस 120, ये नंबर दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको इसको डिवाइड करना है, डिवाइड करने के लिए आपके पास में एक्स 3, तो यहाँ पे रखिए एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स का क्यूब माइनस नहीं सॉरी प्लस क्या आएगा आपके पास में, प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स पावर 3 नहीं है ना यहाँ पे, चलिए तो ये हो जाएगा सॉरी ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। आप इसको निशान चेंज कीजिए, हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, तो ये कैंसिल हो गया, ये बच गया माइनस का 22 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस 120, ठीक है। अब आ गया ये, अब आपको क्या करना है, सेम वही चीज़ करनी है। आपके पास में पहला नंबर क्या आया, आपके पास में माइनस 122 आया, तो यहाँ पे लिख लीजिए माइनस 22 एक्स, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 22 एक्स स्क्वायर, और माइनस इंटू माइनस प्लस होता है तो ये हो जाएगा प्लस 22x, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस है तो प्लस और ये प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से आ जाएगा 120x माइनस 120, ठीक है। अब यहाँ पे लिख रख दीजिए क्या प्लस का 120, तो ये हो जाएगा 120x माइनस 120। अब ये निशान चेंज किए, ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, आपके पास आंसर बच गया 0। अब आपके पास में ऊपर इक्वेशन बच गई क्या, आपके पास में एक यहाँ पे एक इक्वेशन बन गई है एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120। अब आपको इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के लिए सेम चीज़ है आपके पास में 10 प्लस 12,
22 होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 10x प्लस 120, फैक्टराइज कर रही हूँ, ठीक है। तो x कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे हो गया x माइनस 12, यहाँ पे माइनस 10 कॉमन ले लीजिए, यहाँ बच गया x माइनस 12, ठीक है। तो x माइनस 10 एक फैक्टर आ गया और एक x माइनस 12 फैक्टर आ गया, और एक आपका ऊपर से आया था क्या x माइनस 1, तो आपके पास में तीन फैक्टर आ गए, ये ठीक है, समझ में आ रहा है। यही क्वेश्चन था आपका, और देखिए आप नीचे भी आपको यही आंसर आया है, ठीक है। नेक्स्ट, अब एक्सरसाइज बोल रहा है, एक्सरसाइज 2.4, जिसमें आपको सेम चीज़ वही करना है जो मैंने ऊपर आपको करके दिखाया है, सेम वही चीज़ करना है। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीनोमियल्स हैज एक्स प्लस वन अ फैक्टर, तो अब आपको क्या करना है, एक्स प्लस वन के फैक्टर को इनमें तीनों में चारों में रखना है और देखना है कि वो उसका फैक्टर है कि नहीं है। इसको करने के लिए सेम चीज़ है कि पहले इसको क्या निकालो, इसकी एक्स की वैल्यू निकालो, तो ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक्स प्लस वन इक्वल टू क्या हो गया, जीरो, तो एक्स इक्वल टू हो गया माइनस वन। अब एक्स इक्वल टू माइनस वन ये इसके लिए भी हो गया, इसके लिए भी हो गया, इसके लिए भी हो गया और इसके लिए भी हो गया, और इसको वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए और इसका आंसर फाइंड आउट कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर जी ऑफ एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। अब आपको यहाँ पे ये बताना है कि फैक्टर थ्योरम को यूज करना है और आपको बताना है कि जो जी ऑफ एक्स है वो फैक्टर पी ऑफ एक्स का है कि नहीं है। इसको करने के लिए सेम चीज़ है कि आप पहले क्या करो, जी ऑफ एक्स को मैंने कौन सा करूँ आपके लिए बताइए, मैं आपके लिए थर्ड वन करती हूँ, ठीक है। जहाँ पे आपके पास में जी ऑफ एक्स जो है मेरा कितना है, एक्स माइनस 3 है, सो जी ऑफ एक्स इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया, सो एक्स माइनस 3 कितना हो गया, 0 हो गया, सो एक्स इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास में, 3 आ गया, ठीक है। अब मेरे पास में जो पी ऑफ एक्स है वो कितना है, मेरे पास में वैल्यू यहाँ पे दे रखी है एक्स पार 3 माइनस 4 एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स प्लस 6, तो मेरे पास में पी ऑफ कितना है 3, तो 3 का क्यूब माइनस सॉरी 3 का क्यूब माइनस 4 3 का स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई सॉरी इसको वापस कैंसिल कर देती हूँ, ठीक है, 3 तो ये हो गया 4 मल्टीप्लाई बाई 3 का स्क्वायर प्लस सॉरी प्लस ये हो जाएगा प्लस 3 एंड प्लस 6, तो दिस वन इज 9 माइनस 4 और 3 का स्क्वायर होता है सॉरी 9 नहीं होता, ये होता है 27, ठीक है। इसको लिखने के लिए यहाँ पे लिखते हैं 27 माइनस दिस वन इज 4 एंड दिस वन इज 4 दिस वन इज 4 मल्टीप्लाई बाई 9 एंड दिस वन इज 3 एंड दिस वन इज 6, ठीक है। अब इसको करना है तो वही चीज़ होगी, कितना है 27 माइनस 36 प्लस 3 एंड प्लस 6, तो इसको करेंगे तो मेरे पास में आता है माइनस का 12, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर जी ऑफ एक्स इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, ये आपका एंड क्वेश्चन हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। अब आपके पास में क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आपको क्या निकालना है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जहाँ पे भी x माइनस 1 जो है वो फैक्टर है पी ओ एफ का, जहाँ पे x माइनस 1 जो है वो फैक्टर है पी ऑफ x का इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब इन सब के जो केसेस में आपका जो पी ऑफ x है वो क्या है, आपका आपका पी ऑफ x आपको दिया हुआ है, x माइनस 1 आपका फैक्टर चेक करना है कि x माइनस 1 उन सबका फैक्टर है कि नहीं है, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन कर देती हूँ आपके पास में, क्योंकि यहाँ पे इतना स्पेस नहीं होता है कि हम सारे क्वेश्चंस कर डालें, ठीक है, तो इसलिए मैं आपको हिंट के तौर पे एक एक दो दो क्वेश्चन करके दिखा देती हूँ, आप बाकी अपने आप से सॉल्व कीजिए, और नहीं है तो हम नेक्स्ट क्लास में आपसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी मेरे पास में पी ऑफ एक्स है मेरे पास में के एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स प्लस वन, ये मेरे पास क्वेश्चन है जिसमें मेरे पास में x माइनस 1 इक्वल टू 0 होता है, तो x की वैल्यू मेरे पास में क्या आ गई, 1 आ गई, तो p ऑफ 1 मैंने रख दी हूँ, तो मेरे पास में k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू इंटू 1 एंड प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे होता है k, ये होता है रूट टू एंड प्लस 1, ये मेरे पास में क्वेश्चन इतना हो गया। अब मैंने क्या बताया आपको, पी ऑफ एक्स को क्या जूम, पी ऑफ 1 को क्या जूम कर लो, 0 अज्यूम कर लो, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल में बताए हैं,
पी ऑफ वन को मैंने क्या मान लिया, जीरो मान लिया। सो के माइनस रूट टू प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो के इक्वल टू कितना होगा, माइनस रूट टू इधर चला जाएगा तो क्या होगा, प्लस का रूट टू और माइनस का वन। तो के की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, रूट टू माइनस वन आ गई। समझ में आ रहा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फैक्टराइज, क्वेश्चन फोर बोल रहा है कि आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। मैंने बताया था फैक्टराइज करने के लिए एक्स की पावर जो आपकी इक्वेशन जो है वो डिग्री आपकी टू होनी चाहिए, और इन सभी क्वेश्चन में आपकी जो डिग्री है वो कितनी है, टू है। ठीक है, तो मैं इनमें सब में आपको हिंट देने की कोशिश करूंगी हर एक क्वेश्चन में कि क्या क्या हिंट होगा, बाकी आपको खुद ही सॉल्व करना है इन क्वेश्चंस को। ठीक है, तो आपके पास में है 12x² माइनस 7x प्लस 1 आपके पास में क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मिडिल स्प्लिटिंग टर्म यूज़ करनी है। ठीक है, तो मिडिल स्प्लिटिंग टर्म यूज़ करने के लिए आपके पास में पता है कि 12 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई करने से 12 आना चाहिए और प्लस माइनस करने से आपके पास में कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको जब स्प्लिट करूंगी तो मेरे पास में आएगा 12x², ठीक है, माइनस का 4x, ठीक है, और माइनस का 3x और प्लस का 1। तो कहीं ना कहीं अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ तो ये मेरे पास आता है 4x, यहाँ पे बच जाएगा कितना, 3x माइनस का 1, और यहाँ पे जब मैं माइनस 1 कॉमन लेती हूँ तो ये बच जाएगा 3x माइनस 1, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 1, और दूसरा मेरे पास में आ जाएगा 4x माइनस 1। ठीक है, तो ये 4x माइनस 1 है, ठीक है, और दूसरा मेरा हो गया 3x माइनस 1। समझ में आ रहा आपको। सेकंड क्वेश्चन में देखिए कि आपके पास में 2x² प्लस 7x प्लस 3 आपके पास में है। ठीक है, आप उसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए सेम चीज़ है, वही है 2x², क्योंकि 2 3 6 होता है और मुझे एडिशन करने से 6 आना चाहिए। ठीक है, तो इसको करने के लिए वही चीज़ है 2x² प्लस एक्स प्लस 6x प्लस 3। ठीक है, तो अब मेरे पास में यहाँ पे से मैंने x कॉमन लिया, तो यहाँ पे मेरे पास आएगा 2x प्लस 1, और यहाँ पे मैं 6 कॉमन लूँगी तो यहाँ पे मेरे पास में आएगा, सॉरी 6 नहीं 3 कॉमन लूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास आएगा 2x प्लस 1। यहाँ पे स्पेस की कमी रहती है तो इसलिए थोड़ा सा लिखने में दिक्कत होती है, तो यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 और दूसरा हो जाएगा 2x प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम वही है 6x² प्लस 5x माइनस 6 आपको इसको करना है। तो आपको इसको सॉल्व करने के लिए सेम वही चीज़ करनी है। यहाँ पे देखिए 6x² 6 6 36 होता है और प्लस माइनस करने से आपके पास में क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, तो 9 4 36 भी होता है। ठीक है, तो मैं इसको करूँगी सॉल्व, तो ये हो जाएगा मेरे पास में 6x² प्लस 9x माइनस 4x एंड माइनस का 6। अभी मेरे पास में 6 और 9 यहाँ पे है, तो मैंने क्या किया, 3 कॉमन ले लिया, 3x कॉमन आ गया, तो मेरे पास में 2x प्लस 3 बच गया, और यहाँ पे मैं माइनस 2 कॉमन लूँगी तो यहाँ पे बच गया 2x प्लस 3 बच गया। ठीक है, तो 3x माइनस 2 हो गया, दूसरा मेरा हो गया 2x प्लस 3 हो गया। समझ में आ गया। अब आपको इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। आपके पास में 3x माइनस 2 और 2x प्लस 3, मेरे पास ये दो फैक्टर्स हो गए। ठीक है, इस तरह से आपको इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मैंने 3 कर दिए, एक आपको खुद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5, फैक्टराइज। फैक्टराइज का मतलब यहाँ पे जो डिग्री है क्वेश्चन की वो 3 है, तो आपको वो जो आपको ये जो डिग्री है उसको फैक्टराइज करना है। इसको फैक्टराइज करने के लिए आपको लास्ट नंबर चेक करना है कि आपका लास्ट नंबर क्या है, उसके फैक्टर्स लिखिए, उसके फैक्टर्स लिखने के बाद में एक नंबर को तो उसमें सब्स्टिट्यूट करके उसका एक फैक्टर बनाइए, बाकी वो उसको डिवाइड कीजिए और उसको फिर उसके बाद में उसका स्प्लिटिंग टर्म निकालिए। ऐसे करके आपके पास 3 टर्म आ जाएंगे और उसको आपको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन मैंने ये देखिए ऊपर एग्जाम्पल मैंने कराया है आपके आपके लिए, एग्जाम्पल नंबर 15 सेम एज इट इज़ ही आपको क्वेश्चन नंबर 5 करना, आप कर लीजिएगा क्योंकि मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है करने के लिए, तो आप ट्राई कीजिएगा करने के लिए और फिर
जो भी अगर आपके डाउट है तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, ठीक है। अब नया टॉपिक है मेरे पास में एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ मतलब क्या है, जब भी हम किसी एल्जेब्रा के बारे में पढ़ते हैं, तो मैंने आपको शायद एट क्लास में आपको बताया था ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है। नहीं बताया था तो कोई मतलब कोई बात नहीं है, यहाँ पे दोबारा से हम रिवाइज कर देते हैं कि हमारी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी होती क्या है। तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी या फिर एल्जेब्रिक फॉर्मूला हमारा, ये फॉर्मूला हमारा पीछे नहीं छोड़ेंगे, तो इनको फॉर्मूले को आप आज ही जाके लर्न कर लीजिए इन सब सारे फॉर्मूले को, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास में एक फॉर्मूला होता है जिसमें मेरे पास में ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसमें कि ए का स्क्वायर होता है और बी का स्क्वायर, जो दो टर्म्स दिए उनका स्क्वायर, प्लस 2 into a into b, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। दूसरा होता है a माइनस बी, तो सेम इस फॉर्मूले में वही a स्क्वायर b स्क्वायर, बस प्लस और माइनस का अंतर, अगर प्लस है तो प्लस 2ab आएगा और माइनस है तो माइनस 2ab, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। दूसरा एक फॉर्मूला होता है जिसमें x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का फॉर्मूला है, मतलब a स्क्वायर माइनस y, या तो x y के फॉर्म में लिख लो या फिर a और b के फॉर्म में लिख लो, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जहाँ पे भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का बात आती है, वहाँ पे आपको एक बार चीज़ प्लस में लिखनी है और एक बार चीज़ आपको माइनस में लिखनी है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी और दूसरा हो जाएगा a माइनस बी, ठीक है। अब बात आती है आपके पास में फोर्थ आइडेंटिटी, जिसमें आपके पास में मान लो कि दो चीज़ हैं x प्लस ए और x प्लस बी, मतलब x की वैल्यू तो आपके पास दोनों में सेम है, बट आपके a और b आपके चेंज है, तब आपको क्या करना है कि जब मान लो मेरे पास में एक है x प्लस ए और दूसरा है मेरे पास में x प्लस बी, इसको करने के लिए क्या कीजिए, इस x और इस x को तो मल्टीप्लाई कीजिए, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और फिर a और b को दोनों को ऐड कीजिए और बाकी यहाँ पे लिखिए x, और फिर क्या कीजिए a और b को दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। मतलब आपको क्या करना है, पहले x x को आपस में मल्टीप्लाई करके लिखना है, उसके बाद में a और b जो हैं उन दोनों को ऐड करना है, वो आपके x के वैल्यूज हो जाएंगे, और फिर आपको क्या करना है आखिरी में a और b को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। बहुत चीज़ समझ में नहीं आ रही तो देखिए मैं बताती हूँ आपको। मैंने चैप्टर वन में कल आपको लास्ट में एक्सरसाइज पढ़ाई थी 1.5, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जब दो ब्रैकेट में नंबर्स होते हैं तो पहले फर्स्ट नंबर को दोनों नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर सेकंड नंबर को दोनों से मल्टीप्लाई कीजिए, वो प्रोसेस भी हम यहाँ कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये चीज़ दी हुई है, ठीक है, यहाँ पर ये फॉर्मूला है, तो इस एक्स को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इस एक्स को इस बी से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर ए को एक्स से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर ए को से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको यही फॉर्मूला मिलता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल बोलता है फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। अब आपके पास में यहाँ पे अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी आपको यूज करनी है। यहाँ पे ये देखिए x plus 3 है और यहाँ पे x minus 3 है और यहाँ पे x plus 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे दो टाइम सेम चीज़ दो बार रिपीट हो रही है, तो यहाँ पे आपको दो चीज़ क्या हो रही है, तो हम इन दोनों को लिख सकते हैं x plus 3 का होल स्क्वायर भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया x का स्क्वायर, ठीक है, 3 का स्क्वायर और प्लस 2 into x into 3, तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है और यहाँ हो जाएगा 6x, यही आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट बोल रहा है x माइनस 3 और x प्लस 5 है, ठीक है। तो सेम चीज़ है, पहले मैंने क्या कहा था फॉर्मूले के हिसाब से x माइनस 3 और x प्लस 5 है, तो मैंने आपको फॉर्मूले के हिसाब से बताया था पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा, x स्क्वायर आएगा, देन मैंने क्या किया था a और b को, तो माइनस 3 और 5 को ऐड कीजिए और इसके पीछे लिखिए x प्लस, मैंने फिर क्या कहा था माइनस 3 को मल्टीप्लाई कीजिए 5 से, तो मेरे पास में है पहला x स्क्वायर, ठीक है, पहला है मेरे पास में x स्क्वायर, है ना, उसके बाद में मेरे पास में आ जाएगा यहाँ से 2x आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा माइनस का 15, यही आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट इवेलुएट 105 एंड 106 यूजिंग मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। अब इनको हमें डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना, तो हम पहले क्या करें, इनको खोलिए, इनको पहले, ये होता है 100 प्लस 5 और ये होता है 106, तो 100 दोनों में x x सेम है, ये चीज़ वही फॉर्मूले में आती है कि यहाँ पे x प्लस ए
और ये हो गया x प्लस बी। इस फॉर्मूले में क्या होता है, यहाँ पर पहले एक्स स्क्वायर लिखिए प्लस फिर a प्लस बी को यूज़ कीजिए x से और फिर a इंटू बी कीजिए। तो x का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 6 इंटू 100 और यहाँ पे 5 इंटू 6, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। नेक्स्ट बोल रहा है फैक्टराइज। अब यहाँ पे आप चीज़ को आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है, मतलब आपको फॉर्मूला सॉल्व करके आपको आंसर दे रखा है, आपको इसका फॉर्मूला उल्टा फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो यहाँ पे हो गया, इसको स्प्लिट करेंगे तो ये हो जाएगा 7a का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाइए, इसका मतलब होता है 5b का होल स्क्वायर, मतलब इसका ये होता है फिर 2 × 7a × 5b, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन ही ये कहलाता है 70। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका किसके होता है ये 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, और इसको अगर दो फॉर्म में लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, 7a प्लस 5b, और दूसरा लिखोगे तो क्या लिखोगे, 7a प्लस 5b लिखोगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में है यहाँ पे एक बार स्क्वायर एक्स स्क्वायर है और एक बार वाई स्क्वायर है माइनस में, तो आपको क्या करना है, 5/2x का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा y/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5, एक बार प्लस में लिखोगे एक बार इसको माइनस में, तो 5/2x प्लस y/3। ठीक है, दूसरा हो जाएगा 5/2x माइनस y/3। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया आपको। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट आइडेंटिटी। अब तक आपको चार आइडेंटिटी पढ़ा दी है मैंने, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एक पढ़ाया x प्लस ए और x प्लस बी का क्या आइडेंटिटी होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट के लिए मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी, तब तक के लिए आप जितने क्वेश्चन सभी सॉल्व कर लिए, सारे चेक कीजिएगा, सब प्रैक्टिस कीजिएगा, और कोई डाउट है तो नेक्स्ट क्लास में हम उसकी क्वेरी को हम चेक करेंगे। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।